ये देखिए आप, पैकेट है मस्टर्ड ऑयल का पैकेट है, मतलब कोई भी ऑयल का पैकेट हो जो भी आप किचन में यूज़ करते हो, तो जब आप उसको ऑयल को बॉटल में निकाल देते हो आफ्टर देन इस पैकेट को थ्रो नहीं करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है काफ़ी क्वांटिटी में ऑयल होता है। ये देखिए आप, ये देखो आप दिखाई दे रहा है, ये इसमें ऑयल है इतना, ये देखो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये देखो गया ना ऊपर, तो इसमें काफ़ी ऑयल है। तो अगर इस तेल को हमने क्या करना है, इसको यूज़ करना है, तो कैसे यूज़ करेंगे आप, इसको पहले इस पैकेट को यहाँ से सीजर से यहाँ से कट करेंगे यूँ। ओके ठीक है, तो अब आप देख सकते हो इसमें अंदर काफ़ी क्वांटिटी में इसमें ऑयल बचा हुआ है। तो हमने क्या करना है, या तो आप इसको जब आप दाल बना रहे हो उसमें डाल दो तड़के के लिए, बट अगर आप उस वक्त दाल नहीं तड़क रहे हो या सब्जी नहीं बना रहे हो, तो हमने क्या करना है, जो आटा गूंथा होता है उसी में इसको हम यूज़ करते हैं, बट इसमें काफ़ी ऑयल है जो हम इसको इतना नहीं यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो ऑयल की बॉटल है आपकी उसमें ही इसको रीयूज़ करेंगे। ये देखो इसमें कितना तेल था। देख सकते हो आप, इसमें काफ़ी क्वांटिटी में था ऑयल। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने सेट कर लिया, और इस पैकेट को आपने इस साइड से द्वारा से कट करना है, जो जहाँ से ये आपका क्लोज हुआ है, बैंड हुआ है, जहाँ से बंद कर रखा है, यहाँ से इसको अच्छे से पूरा हम इसको सीजर की हेल्प से ऐसे ओपन करेंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे, और ये कॉर्नर तक जाएंगे हम ऐसे ऐसे, और यहाँ से यूँ फिर इसको अच्छे से और टर्न करेंगे लाइक दिस। ओके यहाँ पे अच्छे से करना है। ओके अब देखिए आप, ये हमारा पैकेट पूरा ओपन हो गया, और देखो आप इसमें कितना ऑयल है। तो हम गूंथे हुए आटे के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी जो एक्स्ट्रा था जो मुझे ज़्यादा लग रहा था वो मैंने ऑयल की बोतल में इसको उड़ेल दिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो मैंने आटा गूंथा हुआ है, देखिए आप इसको ऐसे इसमें इसको कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है हमें वेस्ट नहीं करनी होती कोई चीज़, उसको हमें यूज़ करना चाहिए। लोग तो कई लोग तो बोलेंगे ये तो बहुत ही कंजूस है, कंजूसी की बात नहीं है ये, ठीक है, कि इसको हमें, या अगर हम आदत डालेंगे ना अपने आप में कि जो थोड़ी थोड़ी बचत करेंगे, तो इन सब चीज़ों से हो जाती है। इससे क्या बेनिफिट होगा आपका, कि जो हम गूंदा हुआ आता है उसको जब हम बर्तन में डालेंगे, उसको में भी उसको हमें इजीली रखना है, क्योंकि वैसे भी हमने ऑयल तो लगाना ही होता है बर्तन में, जिस कंटेनर में आप आटा डाल रहे हो उसमें तो आपको रखना ही है, और तब भी हमें ऑयल की नीड पड़ती है। तो क्यों ना फिर जो इस पैकेट का एक्स्ट्रा ऑयल है वो उसी में यूज़ किया जाए। कम से कम अगर आप महीने में 4 पैकेट लगाते हो तो 4 बार का तेल बच गया ना आपके घर में। तो ये देखिए आप, इसको देखो, ये पैकेट मेरा पूरा नीट एंड क्लीन हो गया है। और मैं क्या करती हूँ, इस पैकेट को पहले धो लेना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं होते हैं ना पैकेट गिरे हुए, तो मैं क्या करती हूँ गीला कपड़ा लेना, फिर इस पैकेट को अच्छे से धो लेती हूँ, फिर इसको टच करती हूँ। अब देखिए आप, ये देखो लुक दिस, ये देखिए आप पैकेट बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ओके और अब आप इसके बाद ये आटा देखो मेरा, ये अब मैंने जो ऑयल था वो इसमें रीयूज़ कर लिया, आटा अच्छे से गूंद गया इसमें, इसी ऑयल में, और दोनों फायदे हो गए। बट जो ये पैकेट है इसका भी क्या करना है, हमने इसका रीयूज़ करने के लिए क्या करना है, इसको इसको डायरेक्ट नहीं फेंकना है, क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्ट फेंकोगे तो जो एनिमल्स है, गाय या और कोई जानवर है, वो इसको खाएगा, जो भी हमारी प्लास्टिक की चीज़ है। ऐसा नहीं कि यही पैकेट, मेरे कहने का मतलब है कि जितने भी हमारे प्लास्टिक की थिंग्स हैं उनको आपने अखबार में रैप करके या कागज़ में रैप करके उसको थ्रो करना है प्रॉपर जगह में, जो आपके डस्टबिन्स बने, या फिर आप जिनको सहूलियत है कि वो आग वगैरह जलाते हैं वो इसको बर्न भी कर सकते हैं। तो इन दोनों वे से आप इसको वेस्ट कीजिए और अपने इन्वायरमेंट का ध्यान रखिए।